सुरेंद्र राजपूत साहब, ये कहना कि अपराध पर लगाम लगाने की कोई कोशिश ही नहीं हुई, सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई, आपको नहीं लगता कि ये कहना नाइंसाफी होगी? शेर याद आ गया, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करी सरकार की तरफ से, आनंद आ गया एकदम सुनकर के, ऐसा लगा जैसे राम राज्य आ गया। नहीं, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, सुनिए, ये हुआ है। हाँ, मैं बताता हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि इतने इतने बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, इतने बदमाश गिरफ्त हुए, हमने आंकड़े रखे इसीलिए आपके सामने। भाई, आप इतनी देर से बोल रहे, मुझे भी थोड़ा सा बोलने, बोलिए बोलिए, बाकी तो आपकी इच्छा है, आपका चैनल है, आप हाकिम है। कहते ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। जितने बदमाश भाजपा में चले गए वो तो सारे कमल साहब छाबून से धुल करके संत महंत हो गए। आपने इतने बड़े बड़े अभी माफियाओं, भू माफियाओं की बात की, एक बुक्कल नवाब करके थे, सपा के एमएलसी होते थे, उनके खिलाफ करोड़ों रुपए का गबन, भाजपा वाले कहते थे कि इनका ये जमीन गिरेगी, वो जमीन गिरेगी, ये मकान, ये फ्लैट। जिस दिन से वो भाजपा का एमएलसी बना है वो बिल्कुल संत महंत हो गया। मैंने आपको सिर्फ एक, वो मेरा किसी व्यक्तिगत कहना नहीं, मैं आपसे दो तीन बातें कहता हूं। पुलिस अपनी पीठ नहीं थपथपाएगी तो किसकी पीठ थपथपाएगी, मुझे ये बताइए। पुलिस के आंकड़े इंडिपेंडेंट, इसको वैलिडेशन करने का सोर्स क्या है, कोई हमें बता दे। वैलिडेशन करने का सोर्स एक ही होता है कि अपराध खत्म हो जाए या कम हो जाए। महिलाओं के प्रति अत्याचार में, महिलाओं के प्रति दुराचार में, महिलाओं के प्रति गैंग रेप में अगर उत्तर प्रदेश में वृद्धि नहीं हुई है तो आप मुझे बता दीजिए पुलिस के आंकड़े इसका मतलब झूठे हैं। आप इस चीज को देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 8-8 पुलिस वालों को एक बदमाश एक इनकाउंस में शहीद कर देता है, 8 पुलिस वालों को। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां का जिला अध्यक्ष पुलिस वालों को जूतों से पीटता है, जूतों से पीटता है, सिर्फ इस वजह से कि उस अध्यक्ष के परिवार वालों ने मास्क नहीं लगा रखा था। यह सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का अभिमान, जिस तरीके से पुलिस वालों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, न भूतों न भविष्यतों, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप आ जाइए आर्थिक पर, आप इस चीज को देखिए कि एक तरफ तो रोजगार की बात करते हैं योगी जी कि इतने लाख इतने करोड़, दूसरी तरफ एक तिहाई एमएसएमई बंद हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। 5,000 के आसपास एमएसएमई थी, नोएडा में आप चले जाइए अपने कैमरे को लेकर के समीर भाई, एक तिहाई से ज्यादा एमएसएमई बंद हो चुकी है, रोजगार कहां से मिलेगा? एक आंकड़ा कम से कम ये लोग बताए ना रोजगार का, कि एक भर्ती इन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू की हो और वो एक भर्ती खत्म कर दी हो, कोई एक भर्ती, ठीक है ना? ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।